आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको पासपोर्ट साइज फ़ोटो मोबाइल से बनाना नहीं आता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन से आप खुद से ही पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो में बता रखा हूं कि किस तरीके से आप लैपटॉप से पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाएंगे। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आजकल हमें काफ़ी ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, या हम कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांग दिया जाता है कि भैया आपको 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लाना है। तो इस सिचुएशन में मेरे पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो नहीं होता है, तो हम साइबर कैफ़े या शॉप वाले के पास जाते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवाने के लिए, तो हमको वहाँ पर 50 से 60 रुपया चार्ज कर देता है और वो हमें देना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप खुद से ही पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। स्वागत, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाऊंगा किस तरीके से आप खुद से ही पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाएंगे, वो भी मोबाइल से। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरीके से मोबाइल से ही आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाएंगे। मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना जाता है ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से मोबाइल से खुद से ही आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाएंगे। इससे पहले जो मैं बताया था कि लैपटॉप से किस तरीके से पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाएंगे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा या ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करके आप जो मैं लैपटॉप पे बता रखा हूँ कि किस तरीके से पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाएंगे, वही वीडियो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं वहाँ भी समझाया हूँ कि किस तरीके से आप लैपटॉप से पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप मोबाइल से पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल फ़ोन से पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, वो एप्लीकेशन है मैं बता रहा हूँ, यहाँ प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा और यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है पासपोर्ट आईडी फ़ोटो मेकर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो मेकर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ तो इसको आप जो है डाउनलोड कर लेना। ओपन करते आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ से कैमरा से क्लिक करके भी फ़ोटो को आप जो है बना सकते हैं, गैलरी में से ले सकते हैं या आपका माई इमेज है उसमें से भी ले सकते हैं। चलिए हम गैलरी में से लेते हैं, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है कि आपका फोटो कहाँ पे है। जैसे मैं यहाँ फोटोज़ में है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब आपका फोटो कहाँ पे है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा फोटो यहाँ पे है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं अपना फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि आपको बोला जा रहा है कि इसमें से आपको अपना कंट्री चूज करना है, तो यहाँ पर आपको ढेर सारा कंट्री मिल जाता है, तो आप जहाँ से भी है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना। जैसे यहाँ पर देखिए इंडिया पासपोर्ट, इंडिया वीजा, इंडिया OCI, तो यहाँ पे मैं चूज करूँगा इंडिया पासपोर्ट, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन आ चुका है, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट रोटेट है, यहाँ पर लेफ्ट है, यहाँ पर वर्टिकल है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको जो है इस तरीके से कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ऊपर में देखिए राइट टिक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इसको जो है इस कैसे जो है घुमा फिरा सकते हैं, कहीं वह फोटो टेढ़ा वहाँ रहता है, तो इस तरीके से आप फोटो को सीधा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो फोटो को इस तरीके से सीधा करना है। यहाँ पर ऊपर में राइट टिक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको बोला जाए फोटो को एडजस्ट करने के लिए, तो आप इस तरीके से फोटो को जितना भी लेना चाहते हैं इस तरीके से फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ फेस का लेना है तो इस तरीके से ले सकते हैं, अगर आपको पूरा लेना है तो इस तरीके से आप फोटो को बढ़ा लेंगे। चलिए हमको इतना रखना है, तो मैं इस तरीके से पासपोर्ट साइज फ़ोटो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर ऊपर में आपको राइट टिक लग रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। या आप इसको चेंज करना चाहते हैं इंडिया पासपोर्ट को, तो यहाँ से आप चेंज वाले पर क्लिक करके उसको चेंज भी कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं राइट वाले पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए आपका फ़ोटो आ चुका है। आपका जो चेंज बैकग्राउंड है तो इतना सारा है, तो आप इसमें से अपना बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ सेचुरेशन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसका सेचुरेशन आप इस तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट वाले पे क्लिक करेंगे, इसका सेचुरेशन आपको घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ब्राइटनेस है, इसका ब्राइटनेस आप जो है लाइट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर राइट वाले पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ ब्राइटनेस कम बेसी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ से अपना कॉन्ट्रास्ट भी फोटो पे बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए इस तरीके से छोड़िएगा तो आपको कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ेगा। तो यहाँ मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, यहाँ मैं राइट वाले पे क्लिक करूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर व्हाइट बैलेंस है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप इसका व्हाइट बैलेंस भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैं इस पर राइट वाले पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर में आपको राइट टिक पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कि अपना आपका फोटो जो है उस पर बॉर्डर देना चाहते हैं तो सिंपली इस तरीके से देखिए बॉर्डर दिला रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई कलर बॉर्डर डालना है जैसे ब्लैक, रेड या कुछ भी तरीका से, तो यहाँ पे जो है आप इस पर क्लिक करेंगे और इसमें से आप बॉर्डर चूज कर लेंगे कि आपको कौन सा बॉर्डर रखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है, जो भी आप रखना चाहते हैं, ग्रीन है, रेड है, येल्लो है। जैसे मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा। देखिए ब्लैक आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब जब अपना बॉर्डर रखना चाहते हैं तो इस तरीके से घटा बढ़ा लीजिए। देखिए मैं बॉर्डर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर वाले पे क्लिक में कर दूंगा तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो है सेलेक्ट ये हो चुका है। कुछ एड आएगा, एड को आपको इस तरीके से हटा देना है। यहाँ प्रिंट वाले पे क्लिक कीजिएगा। अब इसमें अपना प्रिंट चूज कर लीजिए कि कौन सा आप जो प्रिंट में निकालना चाहते हैं। जैसे आप फोटो जो बनवाते होइएगा तो वहाँ पर फोटो A4 साइज में निकालता है, तो यहाँ पर देखिए A4 साइज पेपर है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपका फोटो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर राइट वाले पर क्लिक करके आप जो है इसको सेव करके रख सकते हैं। तो मैं राइट वाले पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका जो फोटो गैलरी में आप देखिए सेव हो चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं 2-4-5 फोटो निकालूँ तो फिर से क्या करना है, यहाँ प्रिंट वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप इसमें से चूज़ कर लेना है कि आप कितना फ़ोटो निकालना चाहते हैं। जैसे मैं निकालना चाहता हूँ 6x8 इंचज का, तो यहाँ 6x8 इंचज का मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए 6x8 इंचज का आपका फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे 6x8 इंचज का फोटो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा राइट वाले पे और ये फोटो आपको गैलरी में सेव हो गया। अगर आप ये फोटो किसी को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ शेयर वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐड आएगा, ऐड को आपको हटा देना है। और यहाँ पर मैं ऐड हटा दिया हूँ। आप यहाँ पर देखिए इतने सारे फॉर्मेट है, आप किसको शेयर करना चाहते हैं वो आप यहाँ से उस पर्सन को शेयर कर सकते हैं आप अपना फोटो। तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। इस तरीके से गैज जो है प्रिंट वाले पे क्लिक करके आप जितना भी फोटो निकालना चाहते हैं आपको इसमें भर भर के मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि कस्टम पेपर साइज, इस पर क्लिक करके आप कस्टम पेपर साइज अपना खुद से भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि यहाँ पे 250 और यहाँ पे मैं हाथ डाल देता हूँ आपको इस तरीके से, मैं डाल देता हूँ 400। इस तरीके से आप अपना हाथ भी बना सकते हैं। यहाँ पिक्सल है तो इस तरीके पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस में भी आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मैं यहाँ पिक्सल भी रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे ओके करूँगा। यहाँ मैं ओके करूँगा और यहाँ पे देखिए आपका फोटो यहाँ पर आ चुका है इतना इंचेस का। तो इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आप जितना में लेना चाहते हैं, जितना साइज में निकालना चाहते हैं, जैसे मैं इस बार 8x10 इंचज में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए 8x10 वाला है जो वो आ चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करके आप जो है ये फ़ोटो को आप जो है सेव करके रख सकते हैं। आप खुद से भी फ़ोटो बना सकते हैं। और कैसे बनाना है एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं। तो यहां मैं प्रिंट वाले पे क्लिक करूंगा, यहां पे कस्टम पेपर साइज है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अपना मनपसंद से विड और हार्ड चूज़ कर लेना है कि आपका कितना, कभी कभी होता है कि हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर विड और हार्ड मांग देता है कि भैया इतना विड का और इतना हार्ड का फ़ोटो चाहिए। तो वो आप इस वाला एप्लीकेशन से बहुत ही आसानी से आप फ़ोटो बना सकते हैं। जैसे मैं इस बार बना देता हूँ कि विड बना देता हूँ 400 और हार्ट में कर देता हूँ इस बार 600। इस तरीके से आपको कर देना है, ओके वाले पे क्लिक कर देना है। या पिक्सल भी अगर आपको मांगेगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस में, तो आपको यहाँ से कर लेना। चलिए मैं यहाँ पिक्सल ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे ओके वाले पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं ओके वाले पे मैं क्लिक करता हूँ और ये फ़ोटो आपका उतना में आ चुका है। यहाँ प्रिंट वाले पे क्लिक कीजिएगा। अब इसमें चूज कर लेना कि कितना फ़ोटो आपको निकालना है। चलिए मैं इस बार निकाल लेता हूँ 10x12 इंचज का। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए 10x12 इंचज का फोटो आपको आ चुका है। यहाँ पर राइट वाले पे क्लिक कीजिएगा, ये फ़ोटो आपको जो है गैलरी में सेव हो गया होगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ मैं 3-4 फोटो बनाया हूँ वो कहाँ पर। तो मैं इसके लिए मैं यहाँ से सिंपली बैक आता, यहाँ गैलरी को ओपन कीजिएगा। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आएगा और मैं जितना भी फोटो बनाया हूँ वो सारे का सारे जो फोटो है आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखिए कि मैं जो फोटो बनाया वो फोटो सारे के सारे आपको यहाँ पे आ चुका है। मैं इतना सारा फोटो बनाया हूँ वो फोटो आपको यहाँ पे गैलरी में मिल जाता है। ठीक है गाइस, सो गाइस इस तरीके से जो है बहुत ही आसानी से आप जो है फ़ोन से आप घर बैठे
पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं वो भी खुद से। बस आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर डाउनलोड करना कर लेना है। ये एप्लीकेशन यहाँ पर आपको जो है सिंपल तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से आप जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप खुद से ही बना सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर नया नया और लेटेस्ट वीडियो मैं पर डे अपलोड करता ही रहता हूँ।